कोरोना काल में धार्मिक त्योहार भी कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं नवरात्रि का त्योहार आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मनाया जा रहा है। नवरात्रि में जहां बाजारों और मंदिरों में भीड़ देखी जाती थी, वहीं आज बाजारों और मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। इस दौरान छोटे मोटे फल विक्रेता और सब्जी विक्रेता बाजार में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महामारी के डर से वे भी प्रभावित हुए हैं। उनके फल बिक रहे हैं और ना ही सब्जी बिक पा रही है। आपको बता दें कि प्रशासन के आदेश के बाद दतिया जिले में भी कोरोना कर्फ्यू जारी है। जो लोग कर्फ्यू तोड़कर बाहर निकल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जनता कर्फ्यू में फल, सब्जियों, दूध विक्रेताओं को सीमित समय के लिए छूट दी गई है, लेकिन कोरोना के वजह से लोग फल सब्जी खरीदना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। पिछले साल कोरोना ने कमर तोड़ कर रख दी थी, इस साल भी महामारी ने एक बार फिर धंधा चौपट कर दिया है। लोग परेशान हो रहे हैं। सब्जी का काम क्या करेंगे भैया, गरीब आदमी रोज कमाने रोज खाने क्या खाएंगे, स्टॉक रखा माल का खराब होएगा। दीपक साहू, फल का ठेला लगाते हैं सर, क्या स्थिति है फल की? अरे फल तो सारा है भाई साहब, देखो आपके सामने ही है, बिल्कुल सड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ बाजार नहीं चल रहा है। बाजार की कब से कब की स्थिति है बंद होने की? बाजार तो कल से बंद हो जाएगा, पूरा लॉकडाउन के माध्यम से कि जनता खुद ही अपने अपने क्षेत्रों में पाबंदी करे, व्यक्तिगत तौर से पाबंदी करे कि वो घर से नहीं निकलेगा, अपने मोहल्लों में, अपने सोसाइटी में, अपने प्रतिष्ठानों में पाबंदी करे अपनी तरफ से, क्योंकि इसमें जो पीड़ा है वो जनता भोग रही है। हम लोग तो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, तो पीड़ा भी जनता की है और निदान भी जनता को करनी है और करनी चाहिए। इसलिए हम लोग प्रशासनिक तौर पे थोड़ी सी सख्ती और करेंगे और साथ साथ जनता से भी अपील करेंगे कि अगले 5-7 दिनों के लिए घरों में रहे। कल से देखिए टोटल लॉकडाउन है, जिसे कोरोना कर्फ्यू कहा जा सकता है। कल से सब्जी, दूध, किराना किसी भी दुकान नहीं खुलेगी। किराने की दुकान तो पहले से भी बंद है, सबका होम डिलीवरी हो पाएगा। आप लोग भी हमारे साथ विजिट कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे, दो व्यक्ति निकलते हैं 250 ग्राम दूध लेके आते हैं, दो पैरासीटामोल का गोली लेके आते हैं, आधा किलो केला लेके आते हैं। ये सब जो है बहानेबाजी है। वाकई में किसी को मेडिकल इमरजेंसी है निकलिए, आवश्यक है निकलिए, अनावश्यक घर से बाहर निकलेंगे खुद को अपने परिवार को संकट में डालेंगे। पूरे देश का, प्रदेश का, दतिया का स्थिति भी चिंताजनक है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भी बेड का संकट आए, ऐसा इशू आए कि किसी को बेड नहीं मिल रहा है। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन वो स्थिति ना आए उसके लिए अति आवश्यक है कि सभी लोग सहयोग प्रदान करें, अनावश्यक बाहर।